हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है और मेरा नाम ललित कुमार है। और आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पर एक प्लस एजुकेटर हूं और यहां पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे ये कोर्सेज चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं। एक कोर्स मेरा यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का चल रहा है और फ्रेंड एक कोर्स यहाँ पे मेरा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है। तो ये वाला जो कोर्स है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये आपका जनवरी में चल रहा है और आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, आप जल्दी से जाके इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये अनअकैडमी के आपके लाइव क्लासेस के कोर्सेज हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ प्लान्स हैं। ये आपका 1 मंथ का प्लान है, ये आपका 3 मंथ का प्लान है, ये आपका 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ का प्लान है और आपके पास 24 मंथ का प्लान है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे कम से कम 12 मंथ का प्लान लीजिए। अगर आप यहाँ पे 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आप ईयर में 2 बार नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप यहाँ पे सभी फिजिकल साइंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी अगर आप यहाँ पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फ्रेंड, जो ये आपके पास 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इसकी जो कॉस्ट है वो आपको कितनी की पड़ेगी, 10,500 रुपीज की आपके पास कॉस्ट है। अब आप चाहेंगे कि सर हमको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो हाँ, आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फ्रेंड, आप डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा यहाँ पे रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करते हैं तो इसका यूज करने से आपको यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ये आपको यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है एंटर द रेफरल कोड। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल जी को आपको यहाँ पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको अप्रोक्सीमेट अराउंड 9,000 रुपये का पड़ेगा। तो 9,000 रुपये का आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कोर्स पड़ जाएगा 1 ईयर का। आप चाहें तो 6 मंथ का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था, चलिए अब करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं गेट 2018 फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। और इस पार्ट नंबर 9 में हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको गेट 2019 और गेट 2018 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड देखिये, यहाँ पे आपको एनर्जी दी हुई है गामा रेस की, 4 MeV आपको दिया हुआ है यहाँ पर। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक स्पेरिकल सिमेट्री दी हुई है, मतलब यहाँ पे आपके पास एक स्पेरिकल सिमेट्री है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टू द ट्रांजिशन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, यानी कि आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है प्रोटॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है हमारे पास इस स्टेट से, यानी कि 1d3/2 से 1d5/2 में। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पिन ऑर्बिट टर्म टू द टोटल एनर्जी इज रिटन एज इज इक्वल टू दिस, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एनर्जी दी हुई है 4 MeV की और यहाँ पे आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे यहाँ पे 1d3/2 से 1d5/2 में क्या हो रहा है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास स्पेरिकल सिमेट्री आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास जो यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन आपको दिया हुआ है Cl.S, तब यहाँ पे आपको C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन लिख लेते हैं। तो ट्रांजिशन आपके पास है 1d3/2 से, यह आपके पास है 1d5/2 में आपका ट्रांजिशन हो रहा है। अब चूंकि फ्रेंड यहाँ पे आपके पास क्या है, स्पेरिकल सिमेट्री है, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आपके पास स्पेरिकल सिमेट्री है। अब इस क्वेश्चन में आपको J1 और J2 की वैल्यू तो दी हुई है फ्रेंड्स। अब हमको यहाँ पे L नहीं पता है और हमको यहाँ पर S की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, अब ये स्पेरिकल सिमेट्री है, स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब ये है कि जो L की वैल्यू हमारी 1d3/2 के लिए होगी, वही हमारे पास L की वैल्यू 1d5/2 के लिए होगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के लिए L सेम होगा और दोनों के लिए S सेम होगा, बट डिफरेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर J की वैल्यू में।
तो हाँ, अगर हम इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं तो फ्रेंड, इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1d3/2 के लिए। तो 1d3/2 के लिए अगर मैं यहाँ पे l लिखता हूँ तो ये मेरे पास होगा l1 = l, इसको हम l1 = l ले लेते हैं। और फ्रेंड s1 = आप इसको s मान लीजिए, और यहाँ पे आपको j1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/2, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे 1d5/2 के लिए ले लीजिए। अब आपका चूंकि फ्रेंड ये हमारा स्फेरिकल सिमेट्री है, तो यहाँ पे हमारे पास जो L2 की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास L हो जाएगी, और S2 की वैल्यू भी हमारे पास S हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे जो J2 दिया हुआ है इसको इसमें वो आपको दिया हुआ है 5/2, ये आपके पास है। अब यार आप यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V0 dat, या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है J = और आप यहाँ पे लिखते हैं इसको L+ का S। अब अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे J² या आ जाएगा L² प्लस का ये आ जाएगा S² और प्लस का ये होता है हमारे पास 2L·S। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से आपके पास L·S की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा J² - L² और सॉरी ये हो जाएगा आपका -S² / 2। तो फ्रेंड इस तरीके से, तो आपने L·S की यहाँ पे वैल्यू को इस तरीके से लिख लिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन गया। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे पहले इसके लिए निकाल लेंगे 3/2 के लिए L·S की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं for 3/2। तो फ्रेंड्स for 3/2 के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे L·S, ये हमारे पास होगा इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है J, आप इसको लिखेंगे J+1, फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे L और S की वैल्यू सेम है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे L², इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे S² / 2। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3/2 की, तो फ्रेंड 3/2 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस का ये हो जाएगा L² - S² और ÷ 2। तो फ्रेंड ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका, इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 15/4। तो फ्रेंड 15/4 को मैं लिख सकता हूँ इसको 8, ये हो जाएगा माइनस का 2L², सॉरी ये हो जाएगा आपका 4L², और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 4S² इस तरीके से। ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस, है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा L·S और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एच कट स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ पे मैं इसको एच कट स्क्वायर भी लिख देता हूँ, क्योंकि यार देखो अगर आप इसको भी ओपन करेंगे तो सब में से आपका एच कट स्क्वायर आएगा। चलो मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एच कट स्क्वायर, तो ये भी मेरा एच कट स्क्वायर आएगा। और फ्रेंड अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, आप कहेंगे सर कैसे आ गया, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास इसको भी आप क्या लिख सकते हो, L, ये होगा हमारे पास L+H कट स्क्वायर, फिर होता है आपका माइनस, आप इसको लिखते हो S, S+1 और एच कट स्क्वायर, तो पूरे में से एच कट स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। तो ये हमने बाहर लिख लिया। इसी तरीके से फ्रेंड अब आप यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कैसे आपको करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे पूरा का पूरा लिख ही देता हूँ। अब मैंने इतना कर ही दिया है तो इसको और आगे करने में क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ पे करेंगे इसको L, अभी आपका 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका L से हमारा है 4, तो आप इसको 4 लिखेंगे, ये हो जाएगा L और आप इसको लिखेंगे L+1। इसी तरीके से जो हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा S और S+1 और पूरे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एच कट स्क्वायर इस तरीके से। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स, सिमिलरली करके आप क्या लिख लेंगे, सिमिलरली करके हम निकाल लेंगे L·S, ये हो जाएगा आपका 5/2। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, तो 5/2 पुट करेंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारे पास 7/2, ये आ जाएगा माइनस। अब फ्रेंड यही चीज सेम यहाँ पे आ जाएगी 4, ये आप इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा L और L+1 एच कट स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा S, S+1 और एच कट स्क्वायर ÷ ये आपके पास हो जाएगा 2, तो इस पूरे का ÷ 2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा L·S, ये आ जाएगा हमारा 5/2 = ये आ जाएगा हमारे पास 35 ÷ 8 माइनस ये हो जाएगा 4 और आप इसको लिख सकते हैं L+1
एच कट स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका एच कट स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी आपका एच कट स्क्वायर आएगा। इस तरीके से माइनस ये हो जाएगा एस, एस प्लस का वन और एच कट स्क्वायर। अब फ्रेंड इस पूरे में से भी आपका एच कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आप इस पूरे में से एच कट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो सम आ जाएगी ये आ जाएगी एल डॉट एस, ये हमारे पास है 5/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 4, ये हो जाएगा एल एल प्लस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 4 और एस एस प्लस का 1। तो ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट 1 और एच कट स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ एल डॉट एफ 5/2 माइनस का ये हो जाएगा एल डॉट एस और 3/2। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। अब यार फ्रेंड्स अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देख लीजिए, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इसमें ये आपका 4l, ये तो आपका इससे इस वाले से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, तो कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, तो आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास जो टर्म आएगी ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना था 35 डिवाइडेड बाई 8, ये था आपके पास 35 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का इससे आपके पास कितना आया था 15 डिवाइडेड बाई 8। तो ये था मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई 8 और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, और आपने यहाँ 35 में से आपका 15 जाएगा तो मेरे ख्याल से 20 आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 8। अब फ्रेंड ये हो गया मेरे पास एच कट स्क्वायर, ये मेरे पास है डेल्टा ई। अब यार अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास है आपके पास सी और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एल डॉट। तो फ्रेंड इस एच कट को मैं यहाँ पे सी मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सी इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है एच कट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू 20/8, हम इसको यहाँ पे सी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में डेल्टा ई दे सकते हैं 4 MeV, तो ये आपके पास है तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, ये हमारे पास है MeV इज इक्वल टू, यह आपके पास है 20/8, ये हो जाएगा आपका सी। अब फ्रेंड इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 5 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 8 MeV इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 5C और C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, ये हो जाएगा MeV डिवाइडेड बाई 5 और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 1.6, ये हो जाएगा MeV। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 1.6, तो ये हो गया 1.6 इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही सिंपल है, एन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड बाय इज इक्वल टू थोरियम न्यूक्लियस। तो एक आपका है यहाँ पे थोरियम न्यूक्लियस दिया हुआ है, इससे आपका एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल टू बी प्योरली कोलंबिक, अब यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है, प्योर का पूरा आपका कोलंबिक है, तो अब आपको ये बताना है कि द हाइट ऑफ द कूलम बैरियर इज, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, कूलम बैरियर की हाइट, यानी कि आपको यहाँ पे MeV में बतानी है एनर्जी, मतलब आपको यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है और आपको यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है, E²/4πε0 की वैल्यू आपको दी हुई है और R0 की वैल्यू आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्वेश्चन में थोरियम दिया हुआ है, तो थोरियम का जो हमारे पास आपको दिया हुआ है यहाँ पे, या आपके पास इस तरीके से 90, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे TH और आपको दिया हुआ है यहाँ पे 230। अब यार इसमें से ना आपका अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा है, तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हमारा 2He4। अब यार अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल डीके हो गया तो बचा कितना, जो रिमेनिंग बचा वो हमारे पास सपोज करो एक एक्स पार्टिकल है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 90 में से 2 जाएगा, 88 बचेगा, यहाँ पे 88 आया, ये हमारे पास 230 है, इसमें से 4 जाएगा, यहाँ पे आएगा 266। तो फ्रेंड ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, मैं तो इसी तरीके से इक्वेशन बनाता हूँ कि जो भी आपका डीके होता है उसको पहले डीके करा देते हैं और जो आपका बचता है उसको मैं बाद में लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। अब यार क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया हुआ है आप यहाँ पे डाटा लिख लीजिए, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे E²/, ये आपको दिया हुआ है 4πε0, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.44 MeV, ये आपको दिया हुआ है फर्मी मीटर, फिर आपके पास यहाँ पर आपको R0 की वैल्यू दी हुई है 1.30
फर्मी मीटर, तो ये आपके पास है। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कूलम पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड हमारे पास जो कूलम पोटेंशियल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास वी, और आप इसको यहाँ पे लिखेंगे टू, ये हो जाएगा हमारा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे आपको देखो ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है, ये हमारे पास है, जेड आपको दिया हुआ है, हमारे पास 90 है जेड आपको, लेकिन हमको आर की वैल्यू नहीं पता आर हमारे पास क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे आर कैलकुलेट करेंगे, और आर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऊपर इक्वेशन दी हुई है, तो उस इक्वेशन से हम यहाँ पे आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आपको पता है कि जो हमारा आर होता है, आर का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमको आर निकालना है तो हमको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फ्रेंड यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। तो ये आपका ए है, इसमें आपको ए ये दे रखा है, इसमें आपके पास ए ये है, इसमें आपके पास ए ये है, तो इन सब का हम क्या निकाल लेंगे 1/3। तो ये हो जाएगा आपके पास ए, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे टी एच, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल है ए, और आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एच ई, ये हमारे पास है 1/3 प्लस ये आपको दिया हुआ है ए एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3। अब यहाँ पे आपको 230 दिया हुआ है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो ये आपको ए टी एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये आपके हमारे पास दिस, और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप देखिए अब यहाँ पर आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप इसको लगाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2, ये हमारे पास सॉरी, तो ये आपके पास कितना दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास है 4। तो फ्रेंड 4 का हमारे पास हो जाएगा 1/3 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स, यानी कि 266, और इसकी पावर हमारे पास है 1/3। तो यहां से आपको ए टी एच निकल जाएगा कि हमारे पास जो इसका, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट मास नंबर कितना है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 का कितना हो जाएगा, 4 का हमारे पास होता है, मैं इसको निकाल के देखता हूँ, आई थिंक मेरे को पता नहीं 4 का कितना होता है, मैं रुकी कैलकुलेटर से, हाँ तो ये हमारे पास है 1.58 प्लस ये हमारे पास है इसका, इसका हमारे पास हो जाएगा 2.09। तो फ्रेंड इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.67, ये हमारे पास है दिस। तो फ्रेंड ये मेरे पास क्या आ चुका है, ए थोरियम का, तो ये जो हमारे पास ए थोरियम है इसके पास हमारे पास ये आ चुका है, तो आपने यहाँ पे ए थोरियम का कैलकुलेट कर लिया है। तो आपके पास जो ए थोरियम है आपके पास इसका क्या आ चुका है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं 230, तो ये हमारे पास फ्रेंड इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे ए थोरियम का इस तरीके से निकाल लिया है, ये हमारे पास ए थोरियम का आपके पास आ गया है मास नंबर का क्यूब, तो ये हमारे पास रूट क्यूब आ चुका है। अब आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास ए थोरियम 1/3, और यहाँ से आप निकाल लेंगे आर, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 1.30, ये आपको दी हुई है 1.30, और ये आपके पास है ATH आपको दिया हुआ है यहाँ पे देश। तो फ्रेंड जब आप इसको R से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 0.9, ये आ जाएगा आपका 71, तो R हमारे पास कितना आ गया 9.971। अब आपको इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास जो V का फॉर्मूला है आप यहाँ पे V का फॉर्मूला लिखेंगे, V इज इक्वल टू आपके पास है 2Z, ये हमारे पास है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो अब आप क्या लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई R, और R की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 9.9, ये हमारे पास है 71 इन टू, आप इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 180, और ये आपके पास है 9.97, और इन टू आप करेंगे इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.44, तो ये आपके पास है, इसको आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई, यह आपके पास है 9.971, और आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा 25.995 mev। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की हाइट, तो आपके पास ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट आ चुकी है
25.99। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारे पास है 25.99। तो फ्रेंड्स ये हो गया है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की फॉर्म में, और हमको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू को लगा देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, यह हमको दिया हुआ है अंडर रूट टू, फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्यू, इसके बाद है आपके पास ई की पावर -1 और आपको दिया हुआ है प्लस का 2 अल्फा, यह हमारे पास है कॉस पी, तो ये आपको कॉस पी दिया हुआ है। फिर हमारे पास है कैपिटल पी, यह आपको दिया हुआ है अंडर रूट टू क्यू, और फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे ई की पावर -अल्फा -1, और फिर आपके पास है यहाँ पर साइन पी, तो यह आपको इस तरीके से गिवन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्यू पी हमारे पास कितना होना चाहिए, 1, यानी कि इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। और आप इसको यहाँ पे क्या लिखते हो, आप इसको लिखते हो डेल क्यू अपॉन क्यू, फिर हमारे पास होता है डेल पी अपॉन स्मॉल पी, आप इसको लिखते हो माइनस, ये आपके आपका पास होता है डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल पी, फिर आपके पास होता है यहाँ पे डेल कैपिटल पी अपॉन डेल स्मॉल क्यू, और ये आपके पास इस तरीके से हो जाता है इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब आपको इन सब की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, यानी कि हम कैपिटल क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू। तो फ्रेंड ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ई की पावर -1 प्लस का 2 अल्फा, ये हमारा कांस्टेंट है, और कॉस पी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमको क्यू के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू, और फिर आप क्यू का करेंगे तो ये आएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका क्यू की पावर माइनस का हाफ। तो फ्रेंड आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर -अल्फा, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा कॉस पी, और आप इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा आपका अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट क्यू। अब आप यहाँ पे इसको अंडर रूट टू से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो फ्रेंड आप देखेंगे इस अंडर रूट टू से आपका ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, ई की पावर -1 प्लस के 2 अल्फा, ये हमारे पास है कॉस बीटा, और यह आ जाएगा हमारे पास 1/√2q। तो ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, आपका डेल क्यू अपॉन, ये हमारे पास आ जाएगा आपका डेल क्यू अपॉन डेल, और ये आपके पास है स्मॉल पी, तो अगर आप इसको स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका आप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट टू क्यू, तो ऐसी रहेगा ई की पावर -1 और प्लस का 2 अल्फा, ये ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन पी, तो आप इसको इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम पी का करते हैं, तो फ्रेंड देखिए पी का मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे अब पी का करना है, तो पी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब पी का करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका डेल कैपिटल पी और डेल स्मॉल क्यू, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो फ्रेंड ये भी आपका कितना आएगा 1/√2q आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे e की पावर माइनस, या आपके पास है प्लस 2 अल्फा, और फिर आपके पास है यहाँ पे साइन पी। अब आप इसका करेंगे आपका पी के रेस्पेक्ट में, तो जब आप पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास कितना आएगा √2q, यह आ जाएगा e की पावर आपके पास माइनस के अल्फा माइनस के 1, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस पी। तो फ्रेंड इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा आपका, तो आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से देखा है, ओ है ना, सॉरी ये आपके पास कितना था, तो आप यहाँ पे इसको करेंगे तो फ्रेंड्स ये था आपके पास माइनस का अल्फा माइनस का 1, ये आपके पास है, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे अल्फा माइनस का 1, तो ये हो गया फ्रेंड आपके पास। अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो देखो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, तो आप वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, तो अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा है, ये आपके पास है डेल, फिर आपके पास है डेल क्यू, फिर आपके पास है कैपिटल पी, आपके पास है स्मॉल पी, माइनस फिर आपके पास है डेल क्यू, आपके पास है यहाँ पे
स्मॉल पी, और फिर आपके पास है पी, और आप यहाँ पे करेंगे डेल क्यू इज इक्वल टू वन। तो फ्रेंड अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे डेल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपके पास कितना है माइनस, ये आपके पास है यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आपके पास है वन अपॉन अंडर रूट डेल्टा क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वन अपॉन अंडर रूट आपका दिस। और फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस बीटा, ये हमारे पास है कॉस बीटा, आपको दिया हुआ है ई की पावर माइनस, ये आपके पास है वन प्लस का टू एल्फा। इसी तरीके से आपके पास डेल पी अपॉन स्मॉल पी की वैल्यू कितनी है, तो ये आपके पास है अंडर रूट टू क्यू, फिर आपके पास यहाँ पर है ई की पावर, आपको दिया हुआ है माइनस का एल्फा माइनस का वन, और उसके बाद है आपके पास यहाँ पे कॉस पी, तो ये आपके पास है। अब देखिए इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर पी हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पैर इसके डेल क्यू अपन डेल पी की वैल्यू लगाएंगे, तो फ्रेंड हमारे पास डेल क्यू अपन डेल पी की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस, ये हमारा प्लस में था सॉरी, ये आपका यहाँ पे प्लस में था, तो आप यहाँ पे इसको इसको इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास सॉरी ये भी आपका माइनस में था, तो आप यहाँ पे इसको माइनस का पुट करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास। और इसी तरीके से ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, हाँ तो ये आपके पास वैल्यूज होती हैं, और आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो फ्रेंड्स जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो आपने यहाँ पे इसका करा डेल क्यू अपॉन डेल क्यू का, तो आपके पास कितना आया कॉस का करेंगे माइनस का आएगा, या आपके पास डेल क्यू अपॉन डेल क्यू फ्रेंड आप और सॉरी ये आपका प्लस में था, हाँ हाँ सही है, तो फ्रेंड ये आपका प्लस में था, ओके ये आपका यहाँ पे प्लस में था, मैं वही तो कह रहा था ये आपका प्लस में है, और ये आपका यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो आपने यहाँ पे एक बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये आपका प्लस में है। उसके बाद आप डेल क्यू अपन डेल पी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका माइनस में है, और ये आ जाएगा आपका टू क्यू, फिर आ जाएगा ई की पावर माइनस वन, या आपके पास है प्लस का टू एल्फा, और आपके पास है यहाँ पे साइन पी, फिर आप यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा आपका वन अपॉन अंडर रूट टू क्यू, ये आ जाएगा आपके पास साइन पी, और ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस का एल्फा माइनस का वन, तो ये आपके पास है। अब आप देखिए इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर पी, और यहां से आप देखेंगे तो ई की पावर ये आपका माइनस वन है, ये माइनस वन है, तो कितना हो जाएगा माइनस का टू, ये हो जाएगा अल्फा माइनस का टू, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर पी, और ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर अल्फा माइनस का टू, और इजिकल टू हमारा वन होता है क्योंकि ये आपका वन में चलता है। अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से लिख लेंगे, तो फ्रेंड यहां से आपका ई की पावर अल्फा माइनस का टू ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा क्योंकि आपके पास कितना हो रहा है ये आपका वन हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो ई की पावर अल्फा माइनस टू इंटू वन, और आप इसको लिख सकते हो अल्फा माइनस टू, ये हो जाएगा आपका लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है टू, तो फ्रेंड इसका आंसर हमारे पास कितना आ चुका है टू, तो आप यहाँ पे इसका आंसर टू पुट कर देंगे, सिंपल। तो अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 और भी सिंपल है, गिवन आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी टू डेल एफ एफ एम इज इक्वल टू दिस, और फ्रेंड यहाँ पे आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एफ जीरो की वैल्यू वन है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू वन पर एफ वन की वैल्यू जीरो है, तो आपको यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 पे 0.5 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सा है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा मेथड को आपको यहाँ पे यूज करना है, आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, या हमारे पास है डी टू एफ एक्स अपॉन आपको दिया हुआ यहाँ पे डी एक्स टू माइनस का टू, या हमारे पास है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस का एफ एक्स, या हमारे पास है प्लस का एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसकी लिख लेंगे यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर, आप इसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स, और आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का वन इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा आपका एफ एक्स, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो।
तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बनना है एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से आपके पास m2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास कैसी है, रियल एंड इक्वल। तो फ्रेंड जब आपके पास रियल और इक्वल वैल्यू होती है तो हमारे पास जो CF होता है, CF हमारे पास आ जाता है C1 प्लस का C2X और e की पावर MX, ये हमारे पास होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो FX की वैल्यू आ गई है वो आ गया है C1 प्लस C2X और ये हमारे पास हो गया है e की पावर X, क्योंकि M की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये आपके पास FX की वैल्यू आ गई है। अब हम फ्रेंड यहाँ पे यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन का। तो आपको यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज बाउंड्री कंडीशन। अब आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपको दी हुई है, पहली पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है कि F0 पर हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो मतलब कहने का यह है कि ये हमारे पास है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर आपके पास जो FX की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। तो आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और आप इसको यहाँ पे लिखेंगे C1, ये हो जाएगा हमारे पास C2 0 और आपको यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 0। तो फ्रेंड यहाँ से C1 की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है, आपके पास C1 की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी सेकेंड कंडीशन। तो फ्रेंड जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है आपके पास वो हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं सेकेंड कंडीशन हमारे पास है दिस, यानी कि F1 पे हमारी वैल्यू कितनी है, 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि एट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास जो FX की वैल्यू है वो 0 है। तो फ्रेंड ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस का C2 इंटू 1, यह आपको x की वैल्यू 1 दी हुई है और e की पावर 1। अब यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, C1 की वैल्यू 1 है और आपको यहाँ पे C2 निकालना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी e, e आपका 0 हो जाएगा तो C2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ गई है। तो आपने देखा C2 की वैल्यू माइनस का 1 है और C1 की वैल्यू आपके पास 1 है इस तरीके से। तो आपके पास जो FX आ जाएगा वो आपके पास क्या था, C1 प्लस का C2X और ये हमारे पास है e की पावर X। तो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का X, ये हमारे पास है e की पावर X और ये हो गया हमारे पास FX। तो आपके पास जो FX की वैल्यू है वो मेरे पास ये आ गई है दिस। तो अब आपके पास जो FX है वो मेरे पास आ गया है 1 माइनस का X और ये हो गया है e की पावर X, ये आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है 0.5 पर। तो 0.5 पर क्या वैल्यू होगी, तो बस आपको यहाँ पे 0.5 पुट कर देना है, ये हो जाएगा 1 माइनस, आप इसको 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को, या आपके पास हो जाएगा दिस। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और e की पावर 0.5। तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, तो फ्रेंड ये हमारे पास होता है 1.6 समथिंग, आप इसको यहाँ पे ये मान लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 0.82, है ना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। तो आपके पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इस आंसर लिखना था, तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 0.82, या आप इसको लिख सकते हैं 0.81। तो यह आपके पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर है, तो आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लिया है। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 इस पार्ट नंबर 9 का। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंट्रीगल, ये आपके पास एक इंट्रीगल है बहुत ही सिंपल सा। आपको यहाँ पर इसका क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपके पास ये कंडीशन है जेड माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 1 है। तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या लिख लेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रल की वैल्यू, आपको जो यहाँ पे इंटीग्रल दिया हुआ है हमको जो उस फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे इसको मैं आई मान लेता हूँ, ये हमारे पास है i इज इक्वल टू, हम इसको लिख लेते हैं 5z³ प्लस का ये हमारे पास है 3z² डिवाइडेड बाई, ये आपको दिया हुआ है z² माइनस का 4 और आपको जो कंडीशन दी हुई है वो हमारे पास है z माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो आपका
सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अपने सिंगुलर पॉइंट्स कि आपके कहाँ कहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए हम लिख देते हैं जेड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और माइनस का 2। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारा ये सर्कल है, यह हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 0.1 की। तो आप देखेंगे हमारा जो यहाँ पे है वो पॉइंट यानी कि 2 और ये हमारे पास है माइनस का 2। तो फ्रेंड अब हमारा जो सर्किल है वो तो इतने का बनना है जिसकी रेडियस हमारे पास 1 है, लेकिन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये हमारा इससे बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जेड इज इक्वल टू हमारा पास माइनस का 2, ये हमारा क्या है, आउटसाइड द सर्कल, ये हमारा सर्कल के बाहर है यानी कि आउटसाइड द सर्कल है। सिंपल सी बात है, तो ये आपका आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो फ्रेंड ये आपका आउटसाइड द सर्कल हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे रेजिड्यू वैल्यू लगाएंगे, तो आपको पता है आपको रेजिड्यू कैसे निकालना होता है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे आपका रेजिड्यू। तो अब हम यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे एट जेड इज इक्वल टू 2 पर, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, ये हमारे पास हो जाएगा जेड इज ग्रेटर देन 2 यानी कि जेड 2 पर, तो ये आपका पास होता है जेड माइनस का 2 और फिर आपके पास होता है एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 5z³। फिर आपके पास है प्लस या आपके पास है 3z² डिवाइडेड बाई, आप इसको लिखेंगे जेड माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका जेड प्लस का 2। अब जेड माइनस के 2 से आपका जेड माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2³ प्लस ये हो जाएगा आपका 3, आप इसको लिखेंगे 2² डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 2+2। अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 12, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 80 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 4 × 3 = 12 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना होगा 40, ये आपका 40 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 40, ये हो जाएगा आपका 52 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 13, तो ये आपका 13 आ गया। तो फ्रेंड जो आपका यहाँ पे क्या आया है, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका रेजिड्यू। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका यहाँ पे रेजिड्यू है वो हमारे पास कितना है 13, तो यह है। तो अब आपके पास जो इंट्रीगल होगा उसकी वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंट्रीगल, ये हो जाएगा आपके पास 2πi × रेजिड्यू, ये हमारे पास है एट आपका जेड इज इक्वल टू 2 पर, तो यह आप आएगा आई, ये हमारे पास है 2π आपका आई, और इंट्रीगल कितना था रेजिड्यू हमारा 13, तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पे आप लिखेंगे 26, ये हो जाएगा हमारा क्योंकि 2 13 जहाँ कितना होता है 36, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 14, ये हो जाएगा हमारे पास आई। तो फ्रेंड जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81.64 × i। तो यहाँ पर ये इंट्रीगल की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, और आप इसको सर्कल करेंगे तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.64 यानी कि 81.64। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 81.64। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो, और जाते जाते आपसे एक काम की बात और कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आप मेरे को इन प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और FB पेज हो गया। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप पोटेंशियल जी को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं सर्च कर कर। इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो पोटेंशियल G9 से, और FB पेज पे आप मेरे को कर सकते हैं पोटेंशियल जी से फॉलो। और फ्रेंड्स आप मेरे को अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर लीजिए, ललित कुमार को सर्च कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।